Hello students, today we are going to read chapter 2 of history, political and social conditions of Punjab before Guru Nanak Dev Ji. So Guru Nanak Dev Ji Punjab aane se pehle jo iske halaat the political aur social, aaj unke baare mein hum log padhne ja rahe hain. Hum log sabhi Guru Nanak Dev Ji ke baare jante hi hain. Guru Nanak Dev Ji was born in 1469 एडी. गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 एडी में हुआ था. पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ पंजाब वर डिस्पिकेबल बिफोर हिज बर्थ. गुरु नानक देव जी के आने से पहले जो हालात थे हमारे पंजाब के, बहुत ही ज्यादा बुरी हालात थे. द रूलर्स वर वीक एंड डिवाइडेड. जो राजे महाराजे थे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके थे और उनकी वो डिवाइड कर दिया गया था. मीन्स इकट्ठा नहीं थे, यूनाइटेड नहीं थे, वो अलग अलग हो गए थे, बहुत ही कमजोर पड़ गए थे. पंजाब वॉज फेसिंग एक्सटर्नल एग्रीग्रेशंस. एग्रेशंस का मतलब, एक्सटर्नल एग्रेशंस का मतलब जो बाहरी फौजें थी, जैसे ब्रिटिश हो गई या फिर मुगलों का राज होना. ठीक है, उस टाइम ब्रिटिश तो नहीं थे, मुगल थे, तो औरंगजेब जैसे राजे थे. तो कह रहे हैं कि पंजाब वॉज फेसिंग एक्सटर्नल एग्रेशन. तो जो पंजाब था उसके ऊपर बाहरी जो ताकतें थी उसका राज था. रूलर्स एट दैट टाइम अवर Fanatics. The Hindu society was divided into caste and subcaste. कहते जो हिंदू समाज था वो जातियों में, उपजातियों के अंदर डिवाइड हो रखा था. The position of women was deplorable. जो हालात थे औरतों के वो भी बहुत ज्यादा बुरे थे. Morality of people had declined. तो जो लोगों का They were involved in baseless superstitions. तो जिनकी कोई नींव ही नहीं थी, ऐसे अंधविश्वासों के वो से घिरे हुए थे. Political condition. Punjab under the rule of the Lodi Sultan. तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो पंजाब के ऊपर जो जिसका राज था लोदी सुल्तान का, उनके बारे में है. बहलोल खान लोदी, जिसका जो राज जिसने किया था 1451 से लेके 1489 एडी तक किया था, बिफोर बिकमिंग द सुल्तान ऑफ दिल्ली. दिल्ली का कहते सुल्तान बनने से पहले बिलावल खान लोदी अपॉइंटेड तातर खान निजाम ऑफ पंजाब, शाहजादा निजाम खान, निजाम सिकंदर लोदी ऑफ सरहंद. तो कहते कि सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान नियुक्त होने से पहले बिलावल खान लोदी ने जो तातर खान था उसको पंजाब का निजाम नियुक्त कर दिया. मतलब पंजाब के सरदार कह लो, वो नियुक्त कर दिया. एंड शहजादा निजाम खान जो था, इसको हम निजाम सिकंदर लोदी जो था उसको सरहंद का नियुक्त कर दिया. बहलोल खान डिसाइडेड टू अपॉइंट शेख यूसुफ एज द निजाम ऑफ मुल्तान. कहते बहलोल खान लोदी ने फैसला किया कि वो जो शेख यूसुफ है उसको मुल्तान का जो निजाम है वो नियुक्त कर देंगे. ऑर्डर तातर खान एंड हिज ऑन सन बरबख शाह टू प्रोसीड टू मुल्तान फॉर हिज हेल्प. तो उसने हुक्म दिया तातर खान को और उसके बेटा जो था बाबक शाह के, वो मुल्तान जाए उसकी हेल्प के लिए, ताकि वहां पर जो निजाम है मुल्तान का उस एज शेख यूसुफ को मुल्तान का निजाम जो है वो नियुक्त किया जा सके. उसकी हेल्प करने के लिए तातर खान और उसके बेटे को भेजते हैं वहां पर वो. बट हुसैन डिफीटेड द रॉयल आर्मीज. कहते हैं पर जो हुसैन था वो इतनी बड़ी जो आर्मीज थी, शाही आर्मीज, उनको हरा देता है. सो बहलोल खान लोदी लॉस्ट कंट्रोल ओवर द सब प्रोविंस ऑफ साउथ पंजाब. कहते हैं जो बहलोल खान लोदी था उसने सारा सारा जो कंट्रोल था ऊपर साउथ पंजाब के ऊपर खो देता है. इंस्पायर्ड बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ मुल्तान निजाम ऑफ पंजाब तातर खान आल्सो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. तो मुल्तान को देखा उसने कि वो आजाद है, इंडिपेंडेंस है, तो उससे प्रभावित होकर निजाम जो पंजाब का था तातर खान उसने भी डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस. बहलोल खान लोदी सेंट हिज सन निजाम खान सिकंदर लोदी. सो निजाम खान जिसको हम सिकंदर लोदी भी कहते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं उसको अपने बेटे को भेजते हैं तो पनिश तातर खान, तातर खान को पनिश करने के लिए कि उसने क्यों पंजाब को इंडिपेंडेंट जो है घोषित किया है, क्यों किया है. इसलिए उसको सजा देने के लिए, पनिश करने के लिए तातर खान जो होता है, सॉरी बहलोल खान जो होता है वो अपने बेटे को भेजता है तातर खान को पनिश करने के लिए. निजाम खान इन्फ्लिक्टेड अ स्ट्रॉन्ग डिफीट ऑन तातर खान. कहते हैं जो निजाम खान था उसने बहुत ही, निजाम खान इन्फ्लिक्टेड अ स्ट्रॉन्ग डिफीट ऑन तातर खान. निजाम खान ने बहुत ही ज्यादा मजबूत ताकत जो थी पूरी, मतलब उसको पूरी तरह से हराया, तातर खान को पूरी तरह से हरा दिया. सो वहां पर जो था पंजाब के अंदर लोदी रूल जो था वो एस्टेब्लिश हो गया.
सिकंदर लोधी, सो ये जो आगे है बहलोल खां का लोधी जिसको निजाम खां भी कहते थे और सिकंदर लोधी के नाम से भी जाना गया था, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उनका जो राज था 1489 से 1570 तक रहा। जब बहलोल खान की डेथ हो गई उनकी मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी जो था सुल्तान बन गया दिल्ली का और बहुत ही ज्यादा लोधी डायनेस्टी का बहुत ही एक शक्तिशाली बहुत ही ज्यादा एक फेमस सुल्तान बना और सिकंदर लोधी जो है अपने नाम से ही अभी भी जाना जाता है। He centralized his administration and exercised full control over his chiefs and jagirdars. तो उसने अपनी administration जो थी पूरा उसको देख रेख अपने अपने ही अंदर रखी उसने, exercised full control over his chiefs, उसका पूरा जो था control था अपने chief के ऊपर jagirdars के ऊपर। He appointed Daulat Khan Lodi as a Nizam of Central Punjab. तो उसने Daulat Khan Lodi को पंजाब सेंट्रल पंजाब का निजाम नियुक्त कर दिया। बॉर्डर जो थे लोधी प्रोविंस के वर्ड फ्रॉम बहरा तो सरहंद बहरा से लेके सरहंद तक उनके जो बॉर्डर था दीपालपुर वाज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग सब प्रोविंस ऑफ पंजाब बट इन दुआबा चज द घागर्स वर सुप्रीम अमंग ऑल दीज रूलर्स द पोजीशन ऑफ दौलत खान लोधी वाज स्ट्रॉन्ग बिकॉज सिकंदर लोधी रिगार्डेड हिम एज वन ऑफ द फोर चीफ्स ऑफ द लोधी ट्राइब लोधी ट्राइब्स The Sultan of Delhi collected tax from them and in lieu of it, he didn't tolerate, he didn't interfere in their local administration so that being northwest frontier province, they may not have an alliance with foreign rulers. कहते हैं जो सुल्तान थे दिल्ली के वो टैक्स जो थे उनसे कर इकट्ठा किया करते थे और इसके बदले वो उनके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के वो कैसे अपना राज प्रशासन चला रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर जो थे वो नहीं करते थे। सो दैट बीइंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस दे मे नॉट हैव अलायंस फॉर रूलर्स विद फॉरेन रूलर्स तो कहते हैं कि जो बाहरी राजे थे उनके बिल्कुल भी उनको कोई मदद वगैरह जो थी नहीं मिलती थी। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी के समय पंजाब फॉर्म्ड अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द लोधी एम्पायर तो पंजाब के अंदर फॉर्म्ड अ वेरी स्मॉल छोटा सा जो हिस्सा था पंजाब का कहते हैं कि लोधी एम्पायर उसको ले पाया। सिकंदर लोधी रिगार्डेड इट हिज ड्यूटी टू रिमूव द ग्रीवेंस ऑफ हिज subjects but his duties and justice was confined to muslims only ab wo keh raha hai ki wo apne praja subject means praja praja ke liye kehte hai ki loyal rahe wo chahta tha ki wo loyal rahe uski duty banti hai koi bhi ke jo grievance hai dukh dard hai apni praja ke wo remove kar de hata de but ye sari duty justice sirf muslimon ke liye thi ki hated the hindu hinduon ko nafrat karta tha he derived pleasure in destroying usko bada maza aata tha डिस्ट्रॉय करने में हिंदुओं की जो आइडल्स थी और टेम्पल्स आइडल्स भी जो उनकी मूर्तियां थी उनको तबाह करने में उसको बड़ा मजा आता था जो टेम्पल्स मंदिर थे उनको तबाह करने में बड़ा मजा आता था। थर्ड है इब्राहिम लोधी सो इब्राहिम लोधी आफ्टर सिकंदर खान लोधी यू हैव इब्राहिम लोधी फ्रॉम 1570 टू 1526 एडी इब्राहिम लोधी असेंडेड द थ्रोन फ्रॉम आफ्टर सिकंदर लोधी सो सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी को जो गद्दी थी सिंहासन मिला बहुत ही सियाना बहुत ही एक समझदार इंटेलिजेंट रूलर था। ही वाज अ ब्रेव रूलर बहुत ही ब्रेव सोल्जर बड़ा एक योद्धा था एक बहादुर योद्धा था एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट अ सक्सेसफुल जनरल आल्सो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल जनरल भी था। Although he was hard working and honest yet he was unsuccessful during his rule. Although he himself was an Afghan he wouldn't understand the nature and character of the Pathans kehte ke khud wo Pathani tha Afghani tha but wo un logon ka jo nature tha apne logon ka hi samajh nahi paya. He tried to create discipline among his Pathans ignoring the policies of his father and grandfather apne papa ki apne dada ki banayi hui jo policies thi unko ignore karte hue wo chahta tha unke andar discipline apni community ke andar banaye rakhna. Ibrahim's empire from Bera to Bihar was left in name only. कहते इब्राहिम का जो एम्पायर था बहरा से लेके बिहार तक सिर्फ उसके नाम पर ही रह गया था। पठान्स वर डेमोक्रेटिक इन नेचर पठान जो थे वो डेमोक्रेटिक बन गए लोकतांत्रिक बन चुके थे वो अब उनको आजादी पसंद थी। दे कंसिडर द सुल्तान नॉट मोर देन अ चीफ सिर्फ सुल्तान को एक चीफ ही समझते थे चीफ से ज्यादा ही समझते थे मीन्स दे रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम एंड इब्राहिम लोधी फेल टू सप्रेस दीज रिवोल्ट्स कहते कि उन्होंने क्या करा दे रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया उन्होंने उनके खिलाफ प्रचार करने लगे एंड इब्राहिम लोधी फेल टू सप्रेस दीज रिवोल्ट इब्राहिम लोधी जो था वो इसको संभालने में नाकामयाब रहे। इन लोधीज किंगडम पंजाब वॉज अ प्रोविंस उस टाइम के जब लोधी किंगडम था राज था उनका तो पंजाब जो था एक उनका सूबा था
बट द पंजाब एट दैट टाइम वाज डिवाइडेड इनटू टू सूबा, पंजाब को भी दो सूबों के अंदर बांट दिया था उस टाइम पे जब लोधी किंगडम था, उस समय पंजाब वाज डिवाइडेड टू सूबा दैट इज लाहौर एंड मुल्तान. फर्दर सूबा ऑफ पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू प्रागनाज एज सरहंद, सुल्तानपुर एंड दीपालपुर. कहते हैं कि जो सूबा था सूबा को फर्दर डिवाइड किया गया था कुछ हिस्सों में प्रागनाज में, जैसे हम लोग कहते हैं कि स्टेट्स है, स्टेट्स के बाद विलेजेस या सिटीज में अंदर उसको डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है, वैसे कहते हैं प्रागनाज के अंदर उसको डिवाइड किया गया था सूबे को, हर एक सूबे को सरहंद, सुल्तानपुर और दयालपुर के अंदर. These Parganas were directly under the control of Sultan, और Sultan के directly control के अंदर थे वो सारे सारे जितने भी Parganas थे. Next है दौलत खान लोधी. So after Ibrahim Khan Lodi, we have here दौलत खान लोधी and Punjab. सिकंदर लोधी मेरे तातर खान का सूबेदार ऑफ पंजाब. कहते तातर खान को उन्होंने सूबेदार बनाया था पंजाब का. उसकी मौत के बाद जो उसका बेटा था तातर खान का बेटा दौलत खान वाज अपॉइंटेड, उसको पंजाब का गवर्नर बना दिया गया. एज लॉन्ग एज सिकंदर खान लोधी वाज अलाइव दौलत खान रिमेन्ड सिंसियर टू हिम. कहते जब तक वो जीवित था सिकंदर लोधी तब तक दौलत खान उसके लिए सिंसियर था, ईमानदार था. बट द रिजिड सस्पिशियस एंड प्राउड नेचर ऑफ इब्राहिम लोधी फोर्स दौलत खान लोधी टू हेट हिम. बट कहते हैं कि जो इब्राहिम लोधी का जो नेचर था, जो स्वभाव था उसका सख्त चक्की और अभिमानी सा, इसलिए दौलत खान उसको नफरत करने लगे. टेक इनटू कंसीडरेशन द एटीट्यूड ऑफ सुल्तान. कहते हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए, उसके एटीट्यूड को ध्यान में रखते हुए दौलत खान डिसाइडेड टू decided to establish his own independent rule. तो उसने दौलत खान ने फैसला किया कि अभी वो खुद ही अपना एक राज जो है वो आजाद राज जो है वो बनाएंगे. उसका उन्होंने फैसला कर लिया. He started making plans to establish Ibrahim Lodi. Sorry, against Ibrahim Lodi. तो उन्होंने Ibrahim Lodi के खिलाफ थे प्लान्स बनाने शुरू कर दिए. ड्यूरिंग दीज डेज, इन दिनों में आलम खान जो अंकल था इब्राहिम लोधी का, आल्सो हैड डिजायर टू रूल ओवर, उसका भी मन था कि वो दिल्ली के ऊपर राज करें. एज अ रिजल्ट इसके चलते ही स्टार्टेड कॉन्स्पायरिंग विद दौलत खान लोधी. तो वो कॉन्स्पायरिंग मतलब कि जो दौलत खान लोधी के साथ वो बैठ के प्लान वगैरह जो थे वो बनाने लगे इब्राहिम लोधी के खिलाफ. When Ibrahim Lodi came to know about the activities of Daulat Khan and Alam Khan, कहते हैं जब Daulat Khan Lodi और Alam Khan के activities के बारे में, उनके काम के बारे में Ibrahim Lodi को पता लगा, he called Daulat Khan Lodi to Delhi. उन्होंने Daulat Khan को दिल्ली बुलाया. He didn't go to Delhi himself, but he sent his son Dilawar Khan. But वो अपने आप अपने दिल्ली नहीं गया, उसने अपने बेटे दिलावर खान को भेज दिया. दिलावर खान जो था कहते हैं कि व्हेन ही रीच्ड दिल्ली, जब वो दिल्ली पहुंचे इब्राहिम लोधी अरेस्टेड हिम. इब्राहिम लोधी ने उसको अरेस्ट कर लिया. बट सून दिलावर खान के ब्रांड रीच लाहौर, पर जल्दी ही वो बच निकला और वह वापस लाहौर आ गया. दौलत खान लोधी वाज कन्विंस्ड इब्राहिम लोधी वुड पनिश दैट इब्राहिम लोधी वुड पनिश हिम. इब्राहिम लोधी ने कहते कि सॉरी दौलत खान लोधी ने कबूल किया कि इब्राहिम लोधी ने उसको पनिश किया है. एज अ रिजल्ट इसका सिट्टा क्या निकला, in order to let down Ibrahim Lodi, he broke his ties with Delhi and started making new plans for himself. In order to let down Ibrahim Lodi, Ibrahim Lodi ko khaak mein milane ke liye, uske usse hudud karne ke liye, he broke his ties with Delhi. To unhone apni Delhi ki taraf wo chal pade, started making new plans for himself. Apne liye naye plans the banane ke liye ki wo unke saath lad sake. Alliance between दौलत खान लोधी एंड बाबर. सो अभी दौलत खान लोधी और बाबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. इन 1519 AD जहीरुद्दीन बाबर किंग ऑफ कबूल इन्वेडेड पंजाब. कहते हैं कि जहीरुद्दीन बाबर जो 1519 के अंदर जो कबूल का राजा था वो पंजाब के अंदर आया, उसने मतलब हमला बोल दिया. इन्वेडेड क्या रहते हैं कि हमला करना. फर्स्टली बाबर कंक्वर्ड बजौर, सबसे पहले बाबर ने कहते हैं कि बजौर को आपके ऊपर कब्जा किया है. एट द सेम टाइम उसी समय इन्हें एक से भेरा आल्सो, भेरा के ऊपर उसने हमला बोल दिया, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया. इंस्पायर्ड बाय हिज कॉन्क्वेस्ट, उसकी जीतों से खुश होकर बाबर सेंड वन ऑफ हिज मैसेंजर मुल्ला मुर्शिद टू इब्राहिम लोधी. तो इब्राहिम लोधी के पास मुल्ला मुर्शिद जो था उसको भेजा गया. बाबर ने उसको भेजा अपने एक दूत को जिसका नाम मुल्ला मुर्शिद था इब्राहिम लोधी के पास. दौलत खान लोधी स्टॉप द मैसेंजर एट लाहौर. तो दौलत खान लोधी ने उसको लाहौर में ही रोक लिया. बाबर इंटरेस्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज कॉन्क्वर्ड एरिया टू हिंदू बेग.
एंड हिमसेल्फ रिटर्न टू कबूल। कहते बाबुर ने क्या करा, पूरा पूरा जब जो उसने कब्जे में लिया हुआ था वो एक हिंदू बेग को जो था वो दे दिया एंड अपने आप वो कबूल चला गया। आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद जो लोग थे बेरा के वो उन्होंने जंग छेड़ दी एंड फोर्स हिंदू बेग टू रन अवे, और हिंदू बेग को जबरदस्ती मतलब कर दिया उसको, पूरा ताकत अपनी उन्होंने लगा दी कि उसको वहां से भगा दें, और वो वहां से भाग गया। कौन? हिंदू बेग, जिसको पूरी पूरी वो जगह मिल गई थी बाबुर ने, जिसको जीतने के बाद बाबुर ने सारी सारी वहां की जमीन थी वो हिंदू बेग को दे दी थी, बट वहां के जो लोग थे भेरा के वो उन्होंने युद्ध छेड़ दिया हिंदू बेग के खिलाफ और वहां से उसको मजबूर कर देगा वहां से भाग जाए। इस इरिटेटेड बाबुर एंड ही अगेन इन्वेडेड पंजाब इन सितंबर 1580। इसलिए कहते हैं कि बाबुर को बहुत ज्यादा इसके इससे चिढ़ मची, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया वो, और दोबारा उसने पंजाब के ऊपर जो था वो अटैक कर दिया 1519 के अंदर। आप कह रहे हैं भेरा वंस अगेन, दोबारा उसने अपने कब्जे में ले लिया भेरा को, और बाबुर कनकेर सियालकोट ऑल्सो, सियालकोट को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। फ्रॉम द बाबुर प्रोसीड टुवर्ड्स सैयदपुर, सैयदपुर की तरफ जब वो जा रहे थे द डिफेंस फोर्स ऑफ सैयदपुर असिस्टेड द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ बाबुर वेरी ब्रेवली। कहते हैं बड़ी बहादुरता से सैयदपुर की जो डिफेंस फोर्सेस थी उन्होंने बाबुर की फोर्सेस का जो था सामना किया था एंड बाबुर बिकेम विक्टोरियस एंड किल्ड द डिफेंस फोर्स। कहते बाबुर ने बाबुर बिकेम विक्टोरियस, बाबुर जीत गया एंड उसने जो डिफेंस फोर्स थी उनको मार दिया। पीपल ऑफ सैयदपुर वर ट्रीटेड इनह्यूमनली, जो लोग थे सैयदपुर के वो बड़ी ही कहते उनके साथ अच्छा व्यवहार जो था नहीं किया जाता था। मैनी पीपल वर इनस्लेव, बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाया जाता था। गुरु नानक देव जी वाज आल्सो इम्प्रिजन्ड, गुरु नानक देव जी को भी वहां पर गुलाम बनाया गया। गुरु नानक देव जी हैज डिस्क्राइब्ड दोज एट्रोसिटीज इन हिज बाबुर बाणी, तो बाबुर बाणी के अंदर गुरु नानक देव जी ने वो सारे सारे अत्याचारों के बारे में उनका वर्णन किया हुआ है, उन सारे अत्याचारों का वर्णन जो है बाबुर बाणी के अंदर किया हुआ है गुरु नानक देव जी ने। इन द ईयर 1520 एंड 24 AD, 1520 और 24 एडी के बीच में इस समय में दौलत खान लोधी ट्राइड टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन इन सेंट्रल पंजाब। सेंट्रल पंजाब के अंदर दौलत खान लोधी जब अपना कोशिश की कि उसकी ताकतें बढ़ जाएं, एट द रिजल्ट इब्राहिम लोधी टर्न्ड मोर हॉस्टाइल टुवर्ड्स हिम, इब्राहिम लोधी उसकी तरफ बढ़े एंड ही डिसाइडेड टू रिकैप्चर पंजाब आफ्टर पनिशिंग दौलत खान लोधी एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। पहले उनको जो अपॉर्चुनिटी जो मौका मिला पहले ही मौके के अंदर वो चाहते थे कि इब्राहिम लोधी को जो इब्राहिम लोधी ने फैसला कर लिया कि पंजाब को अपने कब्जे में ले लेंगे दोबारा After punishing Daulat Khan Lodi ko punish karne ke baada. As a result, Daulat Khan Lodi sent his own son Dilawar Khan to Kabul to meet Babur and invite him to attack Punjab. इसलिए उन्होंने बाबुर से दौलत खान लोधी ने अपने बेटे को दिलावर खान लोधी को भेजा, दिलावर खान को कबूल भेजा कि वो बाबुर को मिले और वो पंजाब के ऊपर दोबारा अटैक कर दे बाबुर जो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ताकतवर थे, इसलिए दौलत खान लोधी ने उनकी मदद लेनी चाहिए, अपने बेटे को भेजा के वो वहां पर पंजाब पे अटैक करते हैं। ऑन द अदर साइड इब्राहिम लोधी सेंट हिज आर्मीज अगेंस्ट दौलत खान लोधी एंड हैज डिफीटेड। कहते कि इब्राहिम लोधी जो थे उन्होंने अपनी फौजें भेजी दौलत खान के खिलाफ बट वो वहां से हार के वापस आ गए। बाबुर रीच नियर लाहौर 1524 AD, कहते बाबुर जो था लाहौर पहुंचा 1524 में विदाउट एनी रेजिस्टेंस, बिना किसी रुकावट के। हेयर द आर्मीज ऑफ इब्राहिम लोधी अंडर बिहार खान ट्राई टू रेसिस्ट बाबुर बट ही डिफीटेड बिहार खान। कहते हैं कि आर्मीज जो थी जो फौजें थी इब्राहिम लोधी की बिहार खान के नीचे ट्राई टू रेसिस्ट बाबुर, उन्होंने रोकने की कोशिश की बाबुर को बट ही डिफीटेड बिहार खान, बिहार खान को उन्होंने हरा दिया। बाबुर ऑक्युपाइड लाहौर, बाबुर ने कहते कि लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया। ही ऑल्सो ऑक्युपाइड जलंधर एंड दीपालपुर इजिली, बहुत ही आसानी से उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया जो जलंधर था दीपालपुर था। दौलत खान लोधी होप दैट आफ्टर ऑक्युपाइंग दीज एरियाज, कितने जो दौलत खान लोधी था उसने उम्मीद रखी कि इन एरियाज को जब अपने कब्जे में ले लेगा बाबुर वुड हैंड ओवर द पोसेशन टू हिम, बाबुर अपना जितना भी राजपाट है उसको दे देगा। He himself would return to Kabul, वो अपने आप कहते कबूल चला जाएगा और जितना भी प्रशासन है वो सारा सारा इसको मिल जाएगा, इब्राहिम लोधी को मिल जाएगा। बट बाबुर गेव हिम ओनली द एरिया ऑफ जलंधर एंड सुल्तानपुर, पर बाबू ने अकेला उसको जलंधर और सुल्तानपुर के एरिया ही दिया। एट दिस दौलत खान लोधी रिबेल्ड, इसलिए जो दौलत खान लोधी था उसको भी गुस्सा आ गया, उसने जो था अटैक कर दिया उसके ऊपर, मीन लड़ाई करनी शुरू करी। ही वॉज डिफीटेड, वो हार गया। And he escaped to the hills, वो भाग गया पहाड़ियों की तरफ। बाबुर handed over the area of सुल्तानपुर to दिलावर खान, दिलावर खान the son of दौलत खान लोधी, so दौलत खान लोधी का जो बेटा था दिलावर खान। फिर क्या हुआ, बाबुर से जब लड़ने के बाद जब वो हार गया
वो भाग गया फिर, और बाबर ने जो जमीन थी सुल्तानपुर की वो दिलावर खान जो बेटा था उनका दौलत खान लोधी का उसको दे दी। ही गेव दिलावर टू अलाम खान एंड जो अंकल थे दिल कहते दीपालपुर उन्होंने अलाम खान को दे दी जो इब्राहिम खान लोधी का अंकल था। ही हैंडेड ओवर लाहौर टू हिज रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल अजीज एंड बाबर रिटर्न टू कबूल। कहते जो लाहौर का कुछ हिस्सा था वो उन्होंने अब्दुल अजीज को दे दी और वापस खुद कबूल वापस आ गए। बाबर रियलाइज दैट War preparation was required to invade Delhi. कहते कि दिल्ली के ऊपर हमला करने के लिए बाबूर जो थे उन्होंने सोचा कि बहुत सारा तैयारी की जरूरत है दिल्ली के ऊपर हमला करने के लिए। आलम खां एंड पंजाब, अभी आलम खां के बारे में है। आलम खां जो इब्राहिम लोधी वो लोधी फैमिली थी, अब ये अफगान्स हैं। तो अफगान चीफ वॉज वेरी एंग्री विद इब्राहिम लोधी ड्यू टू हिज बैड बिहेवियर। अफगान जो चीफ थे बहुत ज्यादा गुस्से में थे इब्राहिम लोधी की वजह से, उसके बैड बिहेवियर की वजह से। अपना गुस्सा दिखाने के लिए ही दे प्लान टू थॉर्न आलम खान एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो जो सुल्तान थे दिल्ली के बने हुए आलम खान, उन्होंने सोचा कि इसको वो नीचे गद्दी से नीचे कर देंगे, उसको सिंहासन से नीचे फेंक देंगे उसको। फॉर दिस पर्पस दे डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम बाबर। But in 1524 AD, as Babur returned to Kabul after making arrangement of his conquered areas, Daulat Khan Lodi collected his army snatched before Lahore from Abdul Aziz. अब अब्दुल अजीज को वो देके आए थे लाहौर, और यहाँ पे क्या हुआ, दौलत खान लोधी ने उनसे वो छीन लिया। जब वो कबूल वापस चले गए थे बाबुर, तो उनके पीछे से जो दौलत खान लोधी था उन्होंने फिर से जो छीन लिया उनसे, अब्दुल अजीज से लाहौर छीन लिया उन्होंने। चलिए नेक्स्ट है, आफ्टर दैट ही ऑस्टर्डेड दिलावर खान फ्रॉम सुल्तानपुर एंड डिफीटेड आलम खान एट दीपालपुर। आलम खान टुक शेल्टर विद बाबर। आलम खान को जो बाबर के पास जाकर सलाम मिली, वहां रहने की जगह मिली, हु वाज एट कबूल, जो कबूल के अंदर थे। आफ्टर दैट दौलत खान लोधी अटैक सियालकोट, बट ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट। बट वो फेल रहे, नाकामयाब रहे इस काम में। इब्राहिम लोधी सेंट हिज आर्मीज टू कर्ब द इंक्रीजिंग पावर ऑफ दौलत खान लोधी। तो इब्राहिम खान लोधी ने अपनी जो आर्मीज थी वो भेजी ताकि अपने जो अंकल हैं दौलत खान जो था उनकी बढ़ती ताकत को रोक सके। टर्न आउट द आर्मी ऑफ बाबर फ्रॉम पंजाब, और पंजाब बाबर की जो आर्मी है पंजाब ना आ सके। दौलत खान लोधी डिफीटेड इन दिस आर्मी, दौलत खान लोधी इसमें हार चुके थे। Defeated his army, दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी की सेना को हरा दिया। As a result, दौलत खान लोधी's independent rule was established in Punjab. Central Punjab के अंदर दौलत खान लोधी का जो था कानून राज जो था राजपाट बन गया। After reaching Kabul, Kabul पहुंचने के बाद आलम खान signed a treaty with बाबर। आलम खान ने एक संधि बाबर के साथ साइन की, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि बाबर would give military assistance to आलम खान। ये क्वेश्चन आपको आएगा, बाबर वुड गिव मिलिट्री असिस्टेंस टू आलम खान, के बाबर जो है वो मिलिट्री असिस्टेंस देगा, मिलिट्री असिस्टेंस मीन्स हेल्प देगा आलम खान को, ताकि वो अपनी जो गद्दी है दिल्ली की उसको संभाल सके। आलम खान वुड एक्सेप्ट द लीगल पोजेशन ऑफ बाबर ओवर द एरिया, पंजाब पंजाब के ऊपर जितना जो एरिया है प्रशासन जो चला रहे हैं वो जितनी भी उसकी गतिविधियां हैं जो कर रहे हैं वो, उसके ऊपर पॉलिसी कुछ बनाएंगे लीगली और उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो बाबर बना रहा है, आलम खान को सेट करनी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू हेल्प आलम खान, बाबू सेंड एटिक्स टू द मुगल रूलर्स ऑफ पंजाब। व्हेन आलम खान रीच लाहौर, जब आलम खान लाहौर पहुंचा, ही फाउंड दैट इंस्टेड ऑफ द मुगल किंग्स रूल, दौलत खान हैड एस्टैब्लिश्ड हिज रूल। दौलत खान अपना पे कहते कि राजपाट बना चुका, जमा चुका था। इट सैडेंड आलम खान, आलम खान को बहुत दुख लगा, वो दुखी हो गया। कंसीडरिंग आलम खान फीलिंग, दौलत खान लोधी सेंड him a proposal of help. So uski halat dekhte hue Daulat Khan Lodi ne usko help karne ke liye bheja ki wo help karega ladne ke liye Ibrahim Lodi ke khilaf. Alam Khan ko acha laga ye proposal, therefore easily unhone Daulat Khan ki jo army thi wo join kar li, aur unhone uski help ke sath Daulat Khan ki help se Alam Khan ne Ibrahim Lodi ke upar attack kar diya. तो द आर्मीज ऑफ इब्राहिम लोधी, इब्राहिम खान की टीम, बट जो इब्राहिम खान भी बहुत ताकतवर था तो इसलिए उन्होंने उनकी फौजों को हरा दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट हिज ड्रीम ऑफ आलम खान टू कंक्वर पंजाब और किंगडम ऑफ दिल्ली वॉर डैश टू द ग्राउंड। तो इसलिए कहते हैं कि जिसका सट्टा ये हुआ कि आलम खान का जो सपना था कि वो पंजाब को और दिल्ली को अपने कब्जे में ले पाएगा, वो उसका मिट्टी में मिल गया। बाबर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, तो अभी पंजाब का जो बाबर का हमला करना और उसको अपने कब्जे में लेना। इन नवंबर 1525
Babur proceeded from Kabul to Punjab with their 12,000 soldiers. But first of all, Babur decided to punish Daulat Khan Lodi. Daulat Khan Lodi with his son Ghazi Khan fled from Lahore when he came to know all the bad intention of Babur. कहते हैं कि बाबू जो था वो कबूल from Kabul to Punjab जो था जब वो जा रहे थे अपने 12,000 सिपाहियों के साथ, तो उन्होंने फैसला किया कि दौलत खान लोदी को पनिश किएंगे. बट जब उसको पता लगा दौलत खान लोदी को कि बाबू उसकी तरफ ही आ रहा है, तो अपने वो अपने बेटे के साथ गाजी खान के साथ वो लाहौर भाग गया, क्योंकि उसको पता लग गया था कि उसके इरादे जो हैं बैड इंटेंशन है बाबुर के, उसको मार देगा ना, तो इसलिए वो वहां से भाग गया. एट लास्ट बाबुर दौलत खान लोदी को बाबुर के आगे सरेंडर करना पड़ा. फ्रॉम लाहौर बाबुर एडवांस टुवर्ड्स सरहंद. लाहौर से सरहंद चले गए वो साउथ डिवीजन ऑफ पंजाब. साउथ डिवीजन है पंजाब की. फर्स्ट ऑफ ऑल ही कंक्वर्ड अंबाला. सबसे पहले अंबाला जो था अपने कब्जे में लिया. उसके बाद कंक्वर्ड हंसी एंड हिसार फिरोजा. ही सेंट हिज सन हिमायूं. सो हिमायूं को उन्होंने भेजा अपने बाबुर के बाद. हिमायूं आता है मुगल डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं. सो सबसे पहले बाबुर थे, उसके बाद जो है हिमायूं बहुत ही ज्यादा ताकतवर या मुगल रूलर्स थे, शासक थे. अकबर भी उनकी फैमिली के एक हैं पार्ट. सो बाबुर, हिमायूं और अकबर, देन सलीम. चलिए पढ़ते हैं आगे. टुकन केयर हांसी ने हिसार ये पढ़ ली था हमने. सो बाबुर एडवांस टुवर्ड्स दिल्ली टुकन केयर पानीपत. तो जो बाबुर है वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं पानीपत को अपने कब्जे में करने के लिए. ही कैंप्ड एट पानीपत. पानीपत में उन्होंने कैंप लगाया, वहां पर रुके. मींस सो इब्राहिम लोधी द सुल्तान ऑफ दिल्ली आल्सो एडवांस टुवर्ड्स विद द फोर्स ऑफ 1 लाख सोल्जर्स. सो 1 लाख सिपाहियों के साथ वो दिल्ली की तरफ जब जा रहे थे अपनी पूरी फोर्स के साथ, अपनी जो सोल्जर्स थे आर्मी थे उनके साथ. आर्मी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन. तो उनको 4 डिवीजन के अंदर आर्मी को बांट दिया गया. फॉरवर्ड फोर्स, सेंट्रल फोर्स, लेफ्ट एंड राइट हैंड फोर्सेस. देयर वर अबाउट 5,000 एलिफेंट्स इन फ्रंट ऑफ फोर्स. कहते हैं कि 5,000 जो थे हाथी थे उनकी फोर्सेस के आगे. ऑन द अदर साइड बाबू कैप 700 ऑक्स वेगन्स. कहते हैं कि ऑक्स वेगन्स भी थे उनकी बाबू के पास थे. 700 ऑक्स वेगन्स थे, मतलब रथ थे ऑक्स वाले उनकी फोर्सेस के आगे. एंड ही टाइड द ऑक्स वेगन्स विद द लेदर रोप्स. उनको उन्होंने बांध रखा था ऑक्स को वेगन्स के साथ, रथों के साथ बांध रखा था लेदर रोप्स के साथ. बिहाइंड ऑक्स वेगन्स देयर वाज आर्टिलरी. बिहाइंड आर्टिलरी देयर वाज फॉरवर्ड फोर्स एंड सेंट्रल फोर्स. ऑन द राइट एंड लेफ्ट वर तलगमा फोर्सेस. इन द बिग इन द एंड अ बिग फोर्स ऑफ कवलरी वॉज हिडन. सारा कुछ बताया गया है उनकी फोर्स के बारे में, कि जब वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे उनके पास कितने फोर्सेस थी, क्या क्या था उनके पास. फॉर 1 वीक एक हफ्ते में, फॉर 1 वीक एक हफ्ते के लिए बाबुर कैप्ट क्वाइट. बाबुर जो था चुपचाप रहा वो, कुछ नहीं, उन्होंने कोई भी हरकत नहीं करी लड़ाई के लिए. ऑन अप्रैल 21, 1526 AD के अंदर फर्स्ट आर्मी ऑफ इब्राहिम लोधी अटैक. कहते पहली बार जो आर्मी थी इब्राहिम लोधी की, उन्होंने अटैक किया. हिज आर्मी स्टॉप्ड ऑन कमिंग क्लोज टू द ऑक्स वैगन. बट जब वो बाबुर के ऑक्स वैगन के पास जब आए तो वहां के रुक गए. फिर उन्होंने क्या हुआ कि जो आर्टिलरी थी बाबुर की, वहां पे उन्होंने बम्बार्डमेंट करना शुरू, मतलब बॉम्ब गिराने, अपने मिसाइलों से बॉम्ब गिराने शुरू कर दिए. एलिफेंट्स इब्राहिम लोधी ऑन गेटिंग इंजर्ड टर्न बैक क्रश्ड देयर ऑन फोर्स. कहते इब्राहिम लोधी के जो हाथी थे वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए और अपनी ही फौज को उन्होंने इन हाथियों के द्वारा वो जख्मी हो गए और वापस वहां से भाग गए. The Telangana forces of Babur advanced from right and left and besieged the enemy from behind. वो कह रहा है कि काफी अच्छी उन्होंने जो जाल बिछा रखा था, तो उनकी जो तलगमा फोर्सेस थी बाबुर की वो राइट से और लेफ्ट से, और उन्होंने आगे बिसाइड द एनिमी उन्होंने पीछे से आके पूरी पूरी जो फौज थी उसको कब्जे में कर लिया, अपने दुश्मनों को कब्जे में ले लिया. तो इब्राहिम लोधी और उसके अंदर जो 15,000 जो राजे सोल्जर से सिपाही थे वो मारे गए. तो इब्राहिम लोधी की जो डेथ थी वो हुई थी बाबुर के बाबुर के हाथ से, कि कैसे उन्होंने बाबुर की फौजों ने कैसे जाल बिछाया और वो इब्राहिम लोधी 15,000 सिपाहियों के साथ मारा गया. बाबुर ने इस तरीके से अपने पंजाब को अपने कब्जे में लिया था. इब्राहिम मतलब लोधी डायनेस्टी को खत्म करके, जो लोधी डायनेस्टी के राजा था इब्राहिम लोधी उसको मारने के बाद बाबुर मतलब मुगल शासन जो था वो पंजाब के ऊपर आ गया. नेक्स्ट है सोशल कंडीशन. पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब राजे कौन से, महाराजे कौन से आए थे, उनके बीच में लड़ाइयाँ, ये पॉलिटिकल था. अब हम पढ़ेंगे सोशल, कि सोशल कंडीशन कैसी थी पंजाब की. सोसाइटी बिफोर गुरु नानक देव जी वाज डिवाइडेड मेनली इनटू टू पार्ट्स. जो पंजाब तो था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, मुस्लिम सोसाइटी और हिंदू सोसाइटी. इसके अंदर सोशल कंडीशन ऑफ मुस्लिम, मुस्लिमों की कैसी कंडीशन थी. गुरु नानक देव जी से पहले देयर वाज द गवर्नमेंट ऑफ मुस्लिम रूलर, सरकार मुस्लिम राजों की सरकार थी, है ना. तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो इब्राहिम लोधी था वो बहुत ही ज्यादा
कैसा था, मुस्लिमों से ज्यादा प्यार करता था, हिंदुओं को वो नफरत करता था, उनकी मूर्तियों को बर्बाद करने में, मंदिरों को तोड़ने में बड़ा मजा आता था उनको. सो यही लिखा हुआ कि मुस्लिम वुड एक्वायर्ड हाई पोस्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, दे वर ट्रीटेड टू रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट, जस्टिस वाज आल्सो डन इन द फेवर. तो लिखा हुआ कि मुस्लिम जो थे बहुत ही हाई स्टेटस एक्वायर करते थे समाज के अंदर, उनको बहुत इज्जत दी जाती थी और बहुत सारी पोस्ट जो थे गवर्नमेंट जॉब उनको प्रोवाइड की जाती थी, और जो सरकारी जस्टिस न्याय होता था उनके फेवर में ही होता था. एट दैट टाइम मुस्लिम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेस. तो चार क्लासेस के अंदर ये क्वेश्चन आपको आएगा कि मुस्लिम सोसाइटी को किन भागों में बांटा जाता है. अमीर सरदार, उलेमा, सैयद और मिडिल क्लास एंड स्लेव्स, ये हमारे पास आते थे. अमीर सरदार कौन से थे? वो हाई कास्ट के लोग जो होते थे मुसलमानों के उच्च घराने के लोग, उनको अमीर सरदार बोला जाता था. बहुत इनको ऊंची पदवियां जो थी जॉब्स भी दी जाती थी, और सरदार्स वर गिवन लैंड्स, सरदारों को जमीनें दी जाती थी, वो कर इकट्ठा किया करते थे मनी, वो स्पेंड ऑन देयर नीड्स, बहुत सारे जो पैसे मनी, ये जो पैसे वो इकट्ठा करते थे लैंड रेवेन्यू, किसानों से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करके फायदा जो पैसे वो इकट्ठा करते थे, उनकी जरूरतों के ऊपर खर्च होता किया जाता था. ड्यूटी ऑफ द सरदार्स वर टू पार्टिसिपेट इन द कैंपेन्स, दे रिमेन बिजी इन फाइटिंग विद ईच अदर. तो कैंपेन्स लगाने में कितना ज्यादातर उनका समय बतीत होता था और वो लड़ने में एक दूसरे से बिजी रहते थे. एंड देयर इंटरेस्ट वाज टू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट से वो बिल्कुल आजाद होना चाहते थे. एंड देयर वाज टू नो इंटरेस्ट इन द लोकल, उनको लोकल प्रशासन के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ वो चाहते थे इंडिपेंडेंट होना दिल्ली सरकार से. They lived in huge havelis, बड़े बड़े घरों के अंदर वो रहते थे, and were polygamous. They were kept women and women as servants who were called slaves. कहते कि वो आदमी और औरतों को रखते थे जिनको वो गुलाम कहते थे. Being rich, they were pleasant, loving and corrupt. कहते कि अमीर भी, अमीर होने के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा आराम पसंद करते थे और करप्ट भी थे. करप्ट मतलब करप्ट में थे वो. So भ्रष्टाचार लोग थे वो. Ulemas and Sayyids who were the religious class of the Muslims were also divided into classes. ये जो धार्मिक कह लो के धार्मिक जो लोग थे मुसलमानों के उनको भी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ था. उलेमास इन जैसे गुरु टीचर होते हैं पढ़ाने के लिए, तो इन धार्मिक लोगों का जो टीचर होते थे लीडर होते थे उलेमास होते थे. दे वर द स्कॉलर्स ऑफ पर्शियन एंड रिलीजियस लिटरेचर. तो जो रिलीजियस साहित्य था और पर्शियन जो लैंग्वेज भी पढ़ाते होते थे उलेमास. Besides ulemas, there were उनके अलावा सैयद नाम की एक जात थी और they considered themselves a descendant of Bibi Fatima. वो अपने आप को बीबी फातिमा के घर से घराने से बुलाते थे. और बीबी फातिमा जो थे वो हजरत मोहम्मद के बेटी थे. एंड दे ऑल्सो कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. बहुत ही समाज के अंदर उनकी इज्जत थी. बहुत अबव क्लासेस वार्ड रिकॉर्डेड स्कॉलर्स. एंड इन दोनों को उलेमास और जो सैयद थे उन दोनों को ही समाज के अंदर एक रिलीजियस क्लास होता है माना जाता है. जैसे पंडित होते हैं वैसे ही उनको भी समाज में अच्छा माना जाता था. धार्मिक स्कॉलर्स माना जाता था उनको. शेख्स, मुल्लास, काजीज वो भी इसी जाति से बिलोंग करते थे. ये लोग भी जो थे दे वर आल्सो स्कॉलर्स ऑफ द रिलीजियस लॉ एंड दे वर आल्सो रिगार्डेड एज लीडर्स ऑफ इस्लाम. इस्लाम धर्म का लीडर माना जाता था उनको. एंड they also took full advantage of the ignorance of the people. And jo qadi the they were also given the task of dispensing justice nyay dene ke liye qadiyon ko bhi niyukt kiya jata tha. And many of them were greedy. bahut sare log usme se jo qadi hote the wo bahut zyada corrupt hote the, greedy hote the wo. middle class government employees, soldiers, traders, farmers belong to this class. so sare jo kisan the, employees the, vyapari the, kisan sare sare middle class ke andar aate the. unki condition achhi thi. and among them people on high caste, high post were with the government were regarded as belonging into the high caste, high social status. slaves, gulams hote the. so weavers, porters, slaves, laborers, khusras, jinko ये सारे लोग जो थे स्लेव थे उनके. एंड वर लोएस्ट पोजीशन इन द मुस्लिम सोसाइटी. मुस्लिम सोसाइटी के अंदर इन लोगों का बहुत ही ज्यादा लोएस्ट स्टेट स्टैंडर्ड था. रिपीटेड मैन इन द बैटल ग्राउंड आर स्लेव. कहते जो लोग हार जाते थे युद्ध के मैदान के अंदर उनको गुलाम बना लिया करता था. उनको दूसरे शहरों, दूसरे कंट्री से लेके आया जाता थे वो. अनंच means jo dusre log hote the. slaves were kept in royal women's harems to serve the queens begum. so muslim ki jo begum hoti thi unko serve karne ke liye jo khusre the wo rakhe jate the unki seva pani karne ke liye. many slave women were a source of entertainment for the amir and sardar. to bahut sare jo auratein thi gulam auratein unko rakha jata tha amiron aur sardaron ke entertainment ke liye. unko khana diya jata tha khane ke liye. unki social condition jo thi wo depend karti thi ki unka master matlab unka malik kaisa hai. agar wo acha hai to unke sath acha behave karta tha, agar nahi to unke sath bura ज्यादा बिहेव किया जाता था. स्लेव्स हु ट्रीटेड ऑफ स्लेवरी आर एक्वायर्ड हाई प्लेस बाय शोइंग देयर ब्रेवरी एंड क्लेवरनेस. कहते हैं कि जो गुलाम होते थे अगर वो बहादुर हैं ना तो
अपनी बहादुरता से और अपनी चलाकी से वो लोग कई बार हाई स्टेटस था मुस्लिमों में पार कर लेते थे. फूड इन द मुस्लिम सोसाइटी बटर स्पाइसेस वर यूज इन प्लेंटी, बहुत ज्यादा कहते मसालेदार चीजें यूज की जाती हैं. हलवा शरबत, जो हलवा शरबत है बहुत ज्यादा पॉपुलर स्वीट्स हैं. बिरयानी पुलाव है ना, कोरमा वॉज अ फेवरेट फूड अमीरों का, ये सितारों का, शेख्स का, इन लोगों का ये चीज फेवरेट थी उस टाइम पे. इनका फूड के बारे में है ना, मुस्लिम सोसाइटी नारकोटिक्स वर्ड यूज कॉमनली, नारकोटिक्स मींस जो नशा वगैरह होता है जैसे ना, तो वो यूज किया जाता था. एंड द मुस्लिम्स वर मोस्टली नॉन वेजिटेरियन, मुस्लिम ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन होते हैं. वीट लोफ एंड रोस्टेड मीट वॉज देयर, नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो वहाँ पे वीट लोफ और जो रोस्ट किया हुआ मीट होता था उनका डेली पकवाने बनते थे उनके, एंड इजिली अवेलेबल भी होते थे मार्केट के अंदर. सो मुस्लिम वर्कर्स जनरली टुक लस्सी बटर मिल्क विद देयर फूड, तो मुस्लिम जो वर्कर्स होते थे ज्यादातर लस्सी अपने खाने के साथ वो लेते थे. ड्रेस ऑफ द मुस्लिम, सो मुस्लिम की ड्रेस थी, मुस्लिम बिलोंगिंग टू हाई क्लास वोर बॉडी एंड बहुत ज्यादा महंगे महंगे ड्रेस पहनते थे और लंबे लंबे ड्रेस पहनते गॉडी मीन्स वो लंबे लंबे गौन से पहने. सो कॉस्टली ड्रेस पहनते थे वो, दे वर क्लॉथ मेड ऑफ सिल्क, सिल्क और फाइन कॉटन से बने कपड़े पहनते थे. बहुत ज्यादा अमीर लोग जो टर्बन तुरले वाली पगड़ी पहनते थे वो लोग, एंड जिसको हम चीरा भी बोलते हैं. देयर वाज स्लेव्स वोर वेस्ट बैंड्स, तो अपने कहते हैं जो शाही नौकर होते थे वो अपनी वेस्ट के ऊपर बैंड बांधा करते थे वो, एंड दे कैप्ट हैंकरचीफ्स इन देयर पॉकेट्स, अपने पॉकेट्स के अंदर वो हैंकरचीफ रुमाल रखा करते थे. दे वो रेड शूज, लाल रंग के शूज पहनते थे वो, एंड ऑन देयर हेड्स एन ऑर्डिनरी कुल्ला, एक कहते हैं अपने हेड के ऊपर अपने सर के ऊपर ऑर्डिनरी कुल्ला सब बांधते होते थे. And people of religious class wore linen. They tied turbans of 7 yards and left one end of the turban on their back. So 7 yards की कुछ पगड़ी कहते हैं पहनते थे, जो बाकी कपड़ा बचता था वो पीछे छोड़ देते थे वो अपने. And they wore simple shorts, trousers, socks, shoes and socks also. And Sufis wore loose gowns. जो सूफी लोग होते थे वो loose gowns पहनते थे. Muslim women जो थी वो they used to wear blouse, ghagra. Tight pajama with it for parda. Burqa was used. The women of high class moved about in closed cabins with the group of men and women slaves. वो कह रहे हैं कि जो हाई जात के लोग हाई जाते हैं कि औरतें उस दिन को बाहर नहीं आने दिया जाता था. वो लोग एक तो कैबिन के अंदर कमरे के अंदर बंद रहती थी कुछ आदमी और कुछ औरतों के गुलामों के साथ रहती थी. So ornaments गहने, सोने की चांदी के वो गहने जो थे वो पहनते थे. एंड दे वर सोना चांदी हीरे मोती वो ऐसे कुछ पहनते होते थे. एंटरटेनमेंट चेस चौसर डाइस को बोलते हैं, हॉर्स राइडिंग रेस ये सारी सारी गेम्स वो लोग खेलते होते थे. उनका शौक होता था गेम्स खेलना, चीफ्स का सरदारों का ये गेम खेलना बहुत ज्यादा उनका शौक था. Watching dances and listening to songs, गाने सुनने, music सुनना, तो ये सभी उनकी hobby थी अमीर लोगों की. Game of dice was prevalent among both rich and poor. तो जो dice का चौसर का खेल था वो अमीरों में और गरीबों में दोनों में बहुत ज्यादा famous था. And common people enjoyed seasonal festivals and pilgrimages, religious pilgrimages. तो कहते जो आम लोग होते थे वो त्योहार जो होते थे या फिर अपने मंदिरों मस्जिदों में जाके धार्मिक पूजा पाठ करना उसमें enjoy करते थे. Superstitions ignorance. तो ये superstitions की बात चली है कि बहुत सारे increase of goods and wealth की चीजों की जैसे बढ़ोतरी होती जा रही थी, जैसे लोगों में धन दौलत बढ़ती जा रही थी, लोगों के अंदर मुसलमानों के अंदर कहते superstitions जो थे वो भी बढ़ते जा रहे थे. People lived in miracles, magic, charms and amulets. लोग जो थे वो जादू टोने के अंदर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक के अंदर बहुत विश्वास करते थे. At every step, good and bad omens were considered. Ignorance reigned supreme. Condition of women, तो औरतों के बारे में भी है कि women didn't have an honorable position. औरतों का बिल्कुल भी बहुत ज्यादा हाई स्टेटस नहीं था मुस्लिम सोसाइटी के अंदर. देवर कैप्टन हैरम, हैरम के अंदर हवेलियों मतलब बड़ी बड़ी हवेलियों के अंदर उनको कमरों में रखा जाता था सरदारों और अमीरों की हवेलियों में. तो सर्व देयर वाइव्स वुमेन स्लेव्स एंड कॉन्कबाइंस वर कैप्ट, तो जो खुसरे होते थे या फिर जैसे मैंने बताया कि औरतें जो गुलाम थी उनके लिए रखे जाते थे उनके लिए औरतों के लिए. द कस्टम ऑफ पर्दा हस कॉमन, पर्दा जो था बुरका वो पहनती थी. इन कॉमन मुस्लिम हाउसेस देयर वर सेपरेट अपार्टमेंट्स फॉर वुमेन कॉल्ड जनान खाना. तो जनान खाना एक अलग औरतों के लिए घर होता था जहाँ पे औरतें रहती थी. वुमेन ऑफ दीज हाउसेस यूज बुरका व्हाइल गोइंग आउट, बाहर जाने के लिए बुरका इस्तेमाल करती थी. पर्दा वाज नॉट कंपल्सरी फॉर रूरल मुस्लिम वुमेन, जो रूरल मुस्लिम वुमेन होती उनके लिए कंपल्सरी होता था, पर जो हाई कास्ट की जो लोग रिच फैमिली से बिलोंग करती थी औरतें उनके लिए कंपल्सरी होता था. बाहर जब वो निकलते थे तो उनको पहन के निकलना पड़ता था. नेक्स्ट सोशल कंडीशन ऑफ द हिंदू, हिंदुओं की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी.
एंड दे वर कंसिडर्ड एज मींस स्लेव्स, उनको स्लेव गुलाम माना जाता था एंड दे हैड टू पे द जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स, उनको अपने धार्मिक स्थानों को यूज करने का भी टैक्स देना पड़ता था। एट टाइम्स हिंदू अडॉप्टेड इस्लाम टू एस्केप फ्रॉम द राष्ट्र ट्रीटमेंट ह्यूमैनिटेड ऑर्डर, कुछ कहते हैं उस उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते थे और उनको बोला जाता कि इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो उनके ऊपर अत्याचार नहीं होंगे। हिंदू फकीर सन जो थे वो वर नॉट अलाउड टू प्रीच स्पिरिचुअल एजुकेशन, तो हिंदू फकीरों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि वो स्पिरिचुअल एजुकेशन जो है उनके धर्म से रिलेटेड वो ऐसे अपनी बताएं लोगों को। डिफिएंट्स वर इधर किल्ड और डिटेन्ड इन द जेल्स, कहते जो वो लोग डिफिएंट्स मींस जो लोग प्रचार करते पाए जाते थे उन लोगों को जब मार दिया जाता था जेलों में बंद कर दिया जाता था। द हिंदूज डिडंट हैव रिलीजियस फ्रीडम, हिंदुओं को बिल्कुल भी धार्मिक आजादी नहीं थी। दे वर नॉट गिवन प्रोटेक्शन, को बिल्कुल भी कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई थी। एज अ रिजल्ट द सोशल कंडीशन ऑफ द हिंदूज वर बहुत ही ज्यादा डेप्रोडेबल मीन बहुत ही ज्यादा जो थी बुरी थी हालात जो थे। कास्ट सिस्टम, सो द हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू ब्राह्मण्स क्षत्रियस एंड वैश्य एंड शूद्रास, इन भागों में इनको बांटा गया था। सब कास्ट भी मींस इन जातियों के अंदर भी और जाति जो निकलती थी। ब्राह्मण्स फॉरगॉट द ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी एंड बिकम सेल्फिश, ब्राह्मण जो थे वो भी अपने समाज के लिए जो थे हिंदू धर्म के लिए अपनी ड्यूटीज भूल चुके थे और वो भी सेल्फिश हो चुके थे। एंड दे प्रोटेक्ट देयर क्लास बाय कीपिंग द मुस्लिम रूलर्स हैप्पी, सिर्फ उनको अपनी जो के रिलीजियस स्कॉलर्स हैं ना तो उस चीज को बचाने के लिए वो मुस्लिम राजाओं को खुश करने में लग जाते थे। ब्राह्मण्स इन्वॉल्व द हिंदू पीपल इन सुपरस्टिशंस यूजुअल रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, जो ब्राह्मण थे हिंदू लोगों को बेफालतू भी कहते के अंधविश्वासों में रिवाजों में और सेरेमनीज के अंदर लगाए रहते थे। ब्राह्मण्स वर मिंटिंग मनी इन द नेम ऑफ रिलीजन, ब्राह्मण्स कहते के बस पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए थे इन धर्म के नाम पर। दे ऑल्सो प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, छूतछाप भी उन्होंने ही शुरू करी थी। सो द इंट्रैक्शन बिटवीन द कास्ट एंड सब कास्ट ऑफ द हिंदू वॉज नॉट इनफ, सिर्फ यही इनफ नहीं था, उनके अंदर जो कस्टम्स थे उनके रीति रिवाज थे वो भी बिल्कुल अलग अलग थे। कंडीशन ऑफ द वेस एंड खत्रीज, सॉरी इट वॉज नॉट क्षत्रिया इट इज अ खत्रीज, सो कहते वेस एंड जो खत्रीज थे उनकी हालात भी जो थे वो अच्छे थे, कुछ अच्छे थे उनके टू सम एक्सटेंट। द कंडीशन ऑफ द शूद्रास वॉज पिटिएबल, जो सूद जो थे शूद्रास जो थे उनकी हालत बहुत तर्स के लायक थी। द ड्वेलिंग्स वर आउटसाइड द विलेज, उनके जो घर थे वो कुटिया थी झोंपड़ियां वगैरह वो कुछ गांव के बाहर हुआ करती थी। फॉर देम द डोर्स ऑफ टेंपल्स एंड बिल्डिंग्स क्लोज्ड, उनके लिए जो मंदिरों के या फिर धार्मिक जगहों के जो दरवाजे थे बंद रहते थे। एंड इफ अ शूद्र टच द ब्राह्मण, अगर कोई शूद्र जो था ब्राह्मण को टच कर लेता किसी भी हाई जात के लोगों को देन इट वाज कंसीडर्ड सिन, उसको पाप माना जाता था। द कंडीशन ऑफ द शूद्र इन द हिंदू फैमिली ऑफ द टाइम वाज डिस्पिकेबल, तो उस समय जो शूद्र था शूद्र जो लोग होते थे हिंदू समाज के अंदर उनकी बहुत ही बुरी हालात थी। खाना के बारे में बात करते हैं, फूड के बारे में, तो हिंदू जो थे वेजिटेरियन फूड लेते थे, बहुत सिंपल खाना खाते थे। मोस्टली द फूड ऑफ द कॉमन हिंदूज वर सीरियल्स, दालें सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स वीट राइस मिल्क घी ये सब खाना था उनका। एंड खिचड़ी बड़े शौक से वो खाते थे। दे ऑल्सो यूज बटर मिल्क लस्सी पीते थे वो। एंड स्पेशल केयर फॉर द प्योरिटी ऑफ किचन वॉज, बहुत ही किचन साफ सुथरा हो उसका बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखते थे। द हिंदू पीपल रिगार्डेड ईटिंग मीट एज अ वायलेशन ऑफ रिलीजियस रूल्स, सो मीट खाना उनके लिए धर्म के खिलाफ था। द पीपल ऑफ लो कास्ट यूज टू ईट मीट बट इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर डेली डाइट, कहते कि जो लोग कम जाति के जो लोग थे वो मीट खाते थे बट वो डेली नहीं खाते थे, कई कई बार खा लेते थे वो अल्कोहल पीम भांग चरस मतलब जर्दा वगैरह जैसे होती है नशे की जो चीजें यहाँ बताई गई कुछ अल्कोहल पीम तो ये कुछ वो लेते थे। ड्रेस Hindus dressed poorly as common to the as compared to the Muslims, कहते कि उनकी जो ड्रेस थी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, वो धोती कुर्ता सिंपल पहनते थे और सर पे टर्बन्स पहनते थे। Villagers and poor people wore plain clothes only. The people of high class families used to wear silken and colorful clothes. सिल्क के कपड़े पहना बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे वो, पर जो गरीब लोग होते थे वो खद्दर के कपड़े जैसे पहन लिए बहुत सिंपल रहते थे वो। Mostly people used to wear खादी, तो लोग जो थे उस टाइम ज्यादातर खादी पहनते थे। हिंदू वुमेन वोर सलवार शर्ट दुपट्टा एंड दे वोर साड़ीज टू, साड़ी भी पहनती थी वो। रूरल वुमेन वोर ओनली लंगड़ी धोती। कॉमन पीपल वॉक्ड बेयरफुट, जो आम लोग थे वो नंगे पैर चलते थे, उनके पास कोई चप्पलें वगैरह उस समय नहीं थी। तो ब्राह्मण पूछा प्रंचल मार्क तिलक
ऑन हिज फोरहेड, तो अपने माथे के ऊपर जो ब्राह्मण थे वो तिलक लगाते थे, एंड ही यूज्ड टू वेयर धोती विद गोल्डन बॉर्डर, धोती पहनते थे गोल्डन बॉर्डर के साथ, एंड जो संत थे जो भी थे वो दे यूज्ड टू दे यूज स्किन ऑफ द डियर टू सिट ऑन, जो हिरण की खाल थी उसकी यूज किया करते थे उसके ऊपर बैठने के लिए, दे यूज्ड टू वेयर टाइट लॉयन क्लॉथ लंगोट, तो वो लंगोट पहना करते थे, एंड दे वांडर्ड अबाउट द शेव्ड हेड्स एंड रिंग्स इन देयर इयर्स, सो उनके साधु होते थे जोगी संत कह लो योगी कह लो, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि वो सर मुंडवा के बाल कटवा के पूरे सरों अपने सर के और कानों के अंदर बड़े बड़े जो रिंग्स थी वो पहनते थे, एंड दे कैप्ट कसा बॉल मेड ऑफ ब्रॉन्ज इन देयर हैंड्स, और हमेशा एक कसा जो था अपने हाथ में भीख मांगने के लिए वो कटोरा जो था वो रखते थे। एंटरटेनमेंट द हिंदूज हैड मैग्रे इकोनॉमिक रिसोर्सेज एट द टाइम, बहुत ही कम उनके पास कितने रिसोर्सेज थे एंटरटेनमेंट वगैरह के, बीइंग वर्कर्स दे हैड लिटिल लेजर, उनके पास बहुत ही कम आराम करने का टाइम होता था बिकॉज वो काम करने वाले लोग होते थे वर्कर्स होते थे, देयरफॉर दे हैड अ वेरी few sources of entertainment, बहुत ही कम उनके पास sources से entertainment करने के लिए अपना, तो वो ज्यादातर gambling करते थे वो, and they also enjoyed celebrations of seasonal festivals, so जिन त्योहार जो होते थे जो मौसमी त्योहार होते थे वहाँ पे वो enjoy किया करते थे। position of the women before गुरु नानक देव जी, जो औरतों के हालात थे वो बहुत ही कहते बुरे थे, and लड़की का जो एक जन्म था इट वॉज नॉट रिगार्डेड स्पीशियस, बहुत ही खुशनुमा नहीं माना जाता था, एंड मैनी पीपल किल्ड द गर्ल्स आफ्टर बर्थ, मौत लड़कियों को मार दिया जाता था जन्म के बाद, द गर्ल्स वाज मैरिड एट अ वेरी यंग एज, लड़कियों की छोटे होते ही छोटी सी एज में ही उनकी शादी कर दी जाती थी, द हस्बैंड हैड मोर देन वन वाइफ, आदमियों की एक से ज्यादा औरतें हुआ करती थी, द इविल कस्टम ऑफ सती वाज आल्सो प्रीवेलेंट, तो उस समय जो बुराई थी बुरी रिवाज जो था सती का वो भी प्रचलित था उस समय, द वाइफ हैड टू बर्न हरसेल्फ अलाइव, औरत तो जो थी जो पत्नी जो थी अपने आप को जीवित जला देती थी ऑन द पेयर ऑफ हर डेड हस्बैंड, मरे हुए हस्बैंड की जो शव था उसके ऊपर वो अपने आप को जीवित ही जला देती थी। फॉर विमेन, औरतों के लिए प्रॉपर प्लेस वॉज लॉज हाउस, जो सही जगह थी उनकी वो उनका ससुराल था, इट वॉज कंसिडर्ड प्रॉपर फॉर विमेन टू लिव विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, लोगों औरतों के लिए बोला जाता था कि चार दीवारी के अंदर घर में ही रहना है, वाइल गोइंग आउट दे हैव टू बी इन पर्दा, और बाहर जाना है तो दे हैव टू बी इन पर्दा, पर्दा के अंदर रहना है, मुस्लिमों जो औरतें थी उनको भी बोला जाता था बुर्का पहनने के लिए, और जो औरतें हिंदूज की थी उनको भी बोला जाता था पर्दे में रहने के लिए, एंड वुमेन एजुकेटेड एजुकेशन वॉज नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस एट द टाइम, उस समय कोई भी जो पढ़ाई लिखाई थी एजुकेशन थी हिंदू के अंदर कोई भी नहीं दी जाती थी। सो स्टूडेंट्स दिस वॉज योर चैप्टर second of history political and social condition of Punjab before Guru Nanak Dev Ji, thank you.